कल पीस मीटिंग में हम गए थे दो दिन पहले, तो अब चूँकि कल सुबह का वक्त है इत्तला पहुँच नहीं पाई है लोगों को। मस्जिदों में 50 मोमिनीन की इजाज़त नमाज के लिए सीओ ने और कोतवाल ने दी है, ये लोग भी गए थे तो उन्होंने 50 लोगों की इजाज़त नमाज जमात से। अलबत्ता कोशिश ये करिए कि अगर एक वक्त में भीड़ ज़्यादा हो जाए, वो राउंड पे निकलते हैं तो वो ना करिए, दो मर्तबा कर लीजिए। सुबह मॉर्निंग बिल्कुल सवेरे रखिए। मैंने 7:30 बजे अपने यहाँ मस्जिद में नमाज़ इसलिए रख दी, हालांकि कुर्बानी के बाद होना चाहिए लेकिन मजबूरी में हमने ये किया है कि 7:30 बजे रख लिया। टाइम से रखिए, दो मर्तबा कर लीजिए नमाज़, दो मर्तबा कर लीजिए, 50 की इजाज़त है। भीड़ लगाएंगे, मुमकिन वो आएँ बिला वजह परेशान करें, एक बार। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है जो हमारे मौलाना को हुआ कि अभी ताहा फाउंडेशन ने शायद कल्चर हाउस के थ्रू, मेदीपुर साहब के थ्रू, दो ऑक्सीजन की बड़ी मशीन दी है, वो कल आई है मेरे पास। तो एक मशीन तो यहाँ होगी हौज़े में हमारे, जो हमारे इस पूरे इलाके के लिए होगी। मुस्तफ़ाबाद है हमारा, करीमपुर है, मत्तूपुर है हमारा, है भोलापुर है, मतलब हमारी पूरी आबादी के लिए। उसमें अगर अहले सुन्नत हजरात या कोई हिंदू, उनको भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये मशीन एक दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, अगर ऑक्सीजन कहीं सांस लेने में तकलीफ़ है तो मशीन यहाँ से जाएगी। साथ में गारंटर होगा कोई जो ज़िम्मेदारी लेगा कि हम मशीन वापस लाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो ये मशीन यहाँ कल परसों में रखवा दूँगा, अभी चलाने का उसको हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वीडियो है उसके ज़रिए से वो देख लेंगे वो चलाने का। एक मशीन हमारा उस इलाके के लिए, मैं वहाँ कहाँ रखूँगा, देखता हूँ कि जो बच्चे इसकी ज़िम्मेदारी संभाल लें, तो एक मशीन उस तरफ होगी। ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपके खिदमत में गुजारिश कर दी।